डीजे सक्षम ब्लॉग में आज आप सभी की डिमांड पर लेकर आए हैं सारबी टेना। सारबी रहने वाली है अपनी, ये बिग डपर की रहने वाली है, ये अपनी बिग डपर की ब्रांडिंग है, ये अपने बटरफ्लाई लॉक रहने वाले हैं इसमें, ये अपना केस रहने वाला है। ओवरऑल हैंडल की आप क्वालिटी देख सकते हैं, बेटर क्वालिटी यूज़ की गई है। ये अपने इसमें व्हील हो जाती हैं, ये लॉक हो जाता है। ओवरऑल आप शार्पी दिखाती हैं इसको खोलकर, ओवरऑल इसकी पैकिंग आप देख ही सकते हैं, थोड़ा मैंने यूज़ कर लिया है इसलिए आपको पुरानी लग रही होगी। तो आप शार्पी निकाल के देखती हैं, ये देख सकते हैं आप इसके अंदर की क्वालिटी, पूरे फॉर्म यूज़ की गई है। अपनी ट्रे हो जाती है इसमें, सॉकेट वॉकेट रख के आ जा सकते हैं अपनी शार्पी होती। तो आप शार्पी की ओर ले चलते हैं, आपको शार्पी दिखाते हैं ओवरऑल कैसी है, टेस्टिंग भी दिखाएंगे शार्पी की। तो चलिए दिखाते हैं ओवरऑल आपको शार्पी दिखाते हैं, ये देख सकते हैं आप शार्पी बीम 10R रहने वाली है, 280 वोल्ट रहने वाली है ये अपनी, देख ही सकते हैं ये अपनी बिग डिपर की ब्रांडिंग मिल जाती है इस पर। ये देख सकते हैं आप लेंस की क्वालिटी देख सकते हैं, अच्छा यूज़ किया गया है। अब इसकी टेस्टिंग करेंगे तब अपन को पता लगेगा। ये देख सकते हैं इसका बैक लुक आते हैं, ये अपना स्पीक ऑन, ये अपना रहने वाला है DMX इनपुट, DMX आउटपुट। आप इस पर DMX पे भी रन करवा सकते हैं, ये अपना ऑन ऑफ स्विच हो जाता है, ये अपना फ्यूज़ हो जाता है। ओवरऑल बेस्ट क्वालिटी यूज़ की गई है इसमें, ये अपना डिस्प्ले हो जाता है, अप डाउन ओके, DMX एरर मतलब अपन ऑटो पे भी चला सकते हैं, अपनी और स्पेसिफिकेशन लिखी गई हैं, ये देख सकते हैं। तब इसको दिखाते हैं, ये अपनी डिस्प्ले क्वालिटी रहने वाली है। वेटिंग अभी इसमें प्रोग्राम लोड हो रहे हैं। ओवरऑल इसकी टेस्टिंग दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसी क्या है शार्पी। ओवरऑल आप देख ही सकते हैं ये रहा डिस्प्ले क्वालिटी, देख लीजिए अभी इसमें DMX पे है, अब हम इसको ऑटो पे कर देते हैं, देख सकते हैं। ओवरऑल इसके अब आउटडोर में टेस्टिंग दिखाते हैं, आउटडोर में आपको इसकी टेस्टिंग दिखाते हैं अपना ओपन एरिया रहने वाला है, इसके बीम की क्वालिटी दिखाएंगे, टेस्टिंग दिखाएंगे आपको, बीम को ऊपर करके दिखाते हैं। ये अपनी शार्पी है, बीम डालो या आप बीम की क्वालिटी देख सकते हैं, बीम को सामने करो। ओवरऑल आप देख ही सकते हैं बीम की क्वालिटी कितनी शानदार है। अब इसमें कुछ कलर डाल के दिखाते हैं, ये देख ही सकते हैं आप कलर की मेरे हिसाब से थोड़ी क्वालिटी डाउन है। ओवरऑल कुछ कलरों में आपको ठीक मिलेगी। अब इसमें आपको फ्रीजम दिखाते हैं, फ्रीजम क्वालिटी कैसी है, अब इसको रोटेट करके दिखाते हैं। फ्रीजम भी मेरे हिसाब से मुझे कुछ खास नहीं लगा इसका, अब इसको मूव करके दिखाते हैं। फ्रीजम क्वालिटी मेरे हिसाब से थोड़ी डाउन है, बस बीम दिखाते हैं आपको, बीम की क्वालिटी दिखाते हैं। बीम ओवरऑल आपको बीम की क्वालिटी दिख ही सकती है, मतलब बीम की क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेकार नहीं है, बेटर है, बेकार भी नहीं कहूँगा इसको, नॉर्मल ठीक है इसकी, मतलब आपको इसका परफॉर्मेंस दिखाता हूँ मैं इसको, अब ऑटो पे रन करूँगा, ऑटो पे रन करके दिखाता हूँ आपको क्वालिटी। इसको ऑटो पे करेंगे, DMX ऑप्शन आ गया, रन मोड में जाएंगे ऑटो पे, अपनी दूसरी भी सार भी ऑटो पे करते हैं, नहीं रन मोड पे गए, ऑटो पे सेलेक्ट कर दी। तो अपनी ओवरऑल ये अभी ऑटो पे हो गई हैं, ऑटो की परफॉर्मेंस दिखाते हैं आपको। ये अपनी ऑटो की परफॉर्मेंस है,
ओवरऑल बेस्ट थार भी है, इतनी ज़्यादा मैं बेकार भी नहीं कहूँगा। अगर आपको इसमें कुछ पसंद आया हो या इसमें कुछ और जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकता है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे दूंगा अगर कुछ प्रॉब्लम हो आपको तो। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें वीडियो को। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी और टॉपिक के साथ वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।